प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मेरे जी तो बहुत बड़े प्रकाशन के साथ एक वो सच्चाई जब आप पे प्रकट होगी तो आप भी हैरान हो जाओगे, चौंक जाओगे। सभी दासों के लिए परमेश्वर का पैगाम, प्रभु ने जो आज का टॉपिक दिया वो बहुत अद्भुत है। आपने सभी दासों की फोटो देखी होगी, 3-4 फोटो लगा रखी, लेकिन मैं परमेश्वर का जो प्रकाशन मुझे मिला है ये सभी दासों के लिए है और हम सबके लिए है। ये बहुत बड़ा प्रकाशन है, बहुत गहराई की बात है। और जब मैं इसके विषय में पूछा था तो प्रभु ने मुझे तुरंत जवाब दिया वचन के द्वारा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश बोलना और ये सच्चाई बताना, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और जो लोग सुनेंगे चौंक जाएंगे, हैरान होंगे, खुश हो जाएंगे पिता, वचन के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे जी, तो आप आनंदित भी हो जाओगे और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। देखो मैं सब दासों की रिस्पेक्ट करता हूँ, आदर करता हूँ, और चाहे कोई भी हो, क्योंकि सब दास प्रभु के समान, परमेश्वर उनको एक समान रखता है। वरदान अलग अलग है लेकिन सब परमेश्वर के दास दासी है। हालेलुया। तो हमें आदर करना है। अगर बाय चांस हमें कोई दास समझ नहीं आता है, उसके एक्टिविटी समझ नहीं आती, तो हमें उसे समझा सकते हैं वचन के द्वारा, और नहीं तो हमसे अलग हो सकते हैं, क्योंकि हर किसी की कॉलिंग अलग है। देखो कोई भी इंसान एक कॉलिंग में नहीं चलता है, परमेश्वर की बुलाहट अलग अलग है। लेकिन आज का टॉपिक इतना जरूरी है कि आप कहोगे वाक्य में ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। इस समय जो हाई लेवल मीटिंग जो मिनिस्ट्री चल रही है, वो दो मिनिस्ट्री हम ज्यादा सुनते हैं, एक अपोस्टल अंकुररा जी की और एक प्रोफेट विजेंद्र सिंह की। इस समय पंजाब में हाई लेवल है, और भी बहुत है, चाहे वो पास्टर रमन हंस हो, चाहे वो अमर सिंधु हो, चाहे वो सूरज परमानी हो, पॉल दिला करो, ये सारी मिनिस्ट्रियां बड़ी बड़ी परमेश्वर रख रखी है, चाहे हैदराबाद के कलवे टेम्पल, सतीश कुमार हो, सब कुछ परमेश्वर का है। तो क्या प्रभु ने इन दासों को बना के उसके बाद क्या स्टॉप कर देगा? सुनो बहुत गहरी बात है। क्या परमेश्वर इन दासों के बाद, अगर आपका भी सपना है, हो सकता है कि आप ये देखते हो अरे मैं भी विजेंद्र पाशा जैसा, मतलब प्रभु मुझे भी वरदान दे, या अपोस्टल, तो शायद आप सोचोगे कि अब तो इनका ही है सब कुछ और हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपकी गलतफहमी है। बिल्कुल मेरे जी, तो परमेश्वर कभी भी स्टॉप नहीं करते हैं। वचन कहता है एक पीढ़ी आती है जाती, दूसरी पीढ़ी आती है, लेकिन परमेश्वर हर किसी को ऊंचा करते हैं। भविष्यवक्ता आए, फिर नबी आए, फिर चेले आए, प्रभु बनाता गया। कभी भी अपने स्वर्ग में, राज्य में कभी भी वो स्टॉप नहीं करता है। बहुत गहरी बात है, समझ आ रहा है आपको? यानी क्या, हम ये नहीं कह सकते कि बस उन्हें विजेंद्र पास्टर अपोस्टल जी को बनाया, अंकुर जी को, उसके बाद स्टॉप कर दिया, अब यही दो दास रहेंगे जिंदगी भर और कोई दास नहीं बन पाएगा? नहीं, ये बात सच नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं इनसे भी, यानी कि वचन कहता है तुम मुझसे बड़े काम करोगे। वचन सबके लिए है। आज हो सकता है परमेश्वर आपको, मुझको, किसी को भी इस्तेमाल करके सबसे ऊंचा पदवी दे दे। हालेलुया, समझे हो? आपका मन छोटा ना हो ये सोचकर कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मैं दास ही, मैं सेवा करना चाहता हूं, मैं सेवा करनी चाहती हूं, ये कैसे करूं, सभी दास तो इतने ऊंचे पड़ गए। आप प्रार्थना लेवल में बढ़ा करो, आप वचन में ज्यादा आओ, प्रार्थना करो, कॉलिंग पूछो, उसके बाद देखो परमेश्वर आपसे भी बहुत बड़ी सेवा ले सकता है। मेरे जैसे तो जरूरी नहीं है कि परमेश्वर एक पे करके उसको स्टॉप कर दे। सुनने वाली बात, समझने वाली बात है। जब प्रभु ने, मैंने प्रभु से पूछा तो प्रभु ने यही बताया, एक अंकुरण नहीं है, अभी और बनेंगे। हालेलुया, एक विजेंद्र पाशा नहीं है, अभी और बनेंगे और इनसे भी बड़े बड़े काम करेंगे, उनमें से आप भी हो सकते हो। मनुष्य सब एक समान है, परमेश्वर का आत्मा चुनता है। हालेलुया, परमेश्वर किसी को ज्यादा, किसी को कम देता है अपने काम, लेकिन सबको क्या करता है, सामर्थ और ज्ञान एक जैसा देता है। हालेलुया, जैसे जब वचन में लिखा है कि जब वो काम करने, एक इंसान काम करने पे लोगों को ठहराता है और सबको एक समान देता है, कोई 2 घंटे काम करता है, कोई 5 घंटे काम करता है, कोई पूरी दिहाड़ी करता है, लेकिन दिहाड़ी सबको एक जैसे मिलती है। आप मन छोटा ना करो, क्योंकि सब जगह के ये नहीं है कि एक जगह पे ही आके स्टॉप हो गया। ये अनगिनत पास्टर है, अनगिनत भविष्यवक्ता, अनगिनत अपोस्टल प्रभु के कभी अभी उस कारखाने में है जो स्वर्ग का कारखाना है, अभी बनते रहते हैं वहां से। वचन कहता है तेरे पैदा होने से पहले मैंने तुम्हें चित लगा है। अभी मैं क्या था, मैं भी तो 0 खाक मिट्टी था भाई, और परमेश्वर इस पापी इंसान को चुन सकता है तो प्रभु आपको भी चुन सकता है। अभी ये मिनिस्ट्री भी प्रभु चुन रहा है, बड़ी कर रहा है, प्रभु से धन्यवाद करता हूं। तो आज का टॉपिक यही है कि आप उदास में ना रहे, आप परेशान ना रहे ये सोचकर कि नहीं अब तो अपोस्टल जी बन गए, अब भविष्यता विजेंद्र पाशा, ये सूरज परमानी, सबको प्रभु ने अलग कर रखा है, लेकिन यहाँ पे स्टॉप नहीं है, अभी तो शुरुआत है।
अभी आप और देखोगे जगह जगह राज्य में खोज होगा, जैसे बाहर कंट्री में है वैसे हर जगह पे परमेश्वर के दास दासी और बड़े होंगे, कि वचन जो कहता है वो पूरा हो रहा है। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता वचन प्राता, इस भेद की बात बताना मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आज हो सकता है बहुतों के मन में सेवकाई करने को, तो उनकी सेवकाई करने के लिए मैं आपकी प्रार्थना करूंगा, उनका अभिषेक करना और उनको अनॉइंटिंग देना और उनके कॉलिंग को उन तक पहुंचाना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हो सकता है कि आप भी सेवा करने वाले हो, आप चाह रहे हो सेवा करना, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं सेवा कैसे करूं, मेरी कॉलिंग क्या है, मेरी बुलाहट क्या है, मेरा अभिषेक है। तो आज प्रभु को आपको बुलाहट भी बताएगा और अभिषेक भी कराएगा, और देखना आज से आपकी सेवा चालू हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वचन दिया प्रभु ने मुझे यर्मिया 33 उसका 19 से लिखा है, फिर यहोवा का ये वचन यर्मिया के पास पहुंचा। यहोवा यूं कहता है, मैंने दिन और रात के बीच में जो वाचा बांधी है, जो वाचा दिन रात के विषय में बांधी, जब तुम उसको ऐसा तोड़ सको कि दिन और रात अपने अपने समय में ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि रात रात को ना हो, दिन दिन को ना हो, परमेश्वर कर सकते लेकिन कोई भी इंसान नहीं कर सकता। सुनो, तब ही जो वाचा मैंने अपने दास दाऊद के संग बांधी है टूट सकेगी। कौन सी वाचा परमेश्वर बांधी है? आज क्यों संख्या प्रभु के दासों के दिन पर दिन बढ़ रही है? अभी सुनने में आया था कि 1,00,000 पास्टर तो पंजाब में ही है। मेरे जी तो परमेश्वर स्टॉप नहीं करता है, जो अपोस्टल ग्रह काम कर रहा है उनसे बढ़कर भी परमेश्वर हमसे और आपसे काम ले सकता है, उससे ज्यादा परमेश्वर हम और आपसे काम दे सकता है। जो भविष्यवाणियां प्रोफेट बिजनेस सिंह कर रहे हैं उनसे बढ़कर प्रभु हम और आपको चुन सकता है, क्योंकि परमेश्वर कभी बस नहीं करता। हालेलुया। एक जने पे आके बंद नहीं है हर जगह, अभी परमेश्वर अनगिनत करेगा। और ऐसी अपोस्टल, ऐसी विजेंद्र पाशा, सूरज परिमारी जैसे, जीएस कॉल जैसे, और ऐसे बहुत दास दासियां आपके अंदर से भी उठेंगे, आपके आने वाले वंश भी ऐसे होंगे। परमेश्वर बस नहीं करता। अब मन छोटा ना करे कि अब तो सब कुछ दास बन गया, अब हम क्या करेंगे। परमेश्वर ने अगर आपको बुलाया है तो यकीन माना सेवा भी आपसे सुपर ब्लेस वाली लेगा। हालेलुया। लिखा है जो वाचा बांधी, अब कौन सी वाचा दाऊद से बांधी है, संग बांधी है, टूट सकी कि तेरे वंश की राजगद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे, यानी कि जो दाऊद ने काम किया वो बढ़ता रहेगा। सुनो अब गौर से, और मेरी वाचा मेरी सेवा टहल करने वालों लेवियों और याजकों के संग बंधी रहेगी, जैसे आकाश की सेना की गिनती नहीं, सुनो, जैसे जैसा आकाश की सेना की गिनती और समुद्र की बालों की किनके का परिणाम नहीं हो सकता, उसी प्रकार मैं अपने दास दाऊद के वंश और अपने सेवक लेवियों को बढ़ाकर अनगिनत कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर अपने दास दासियों को अनगिनत करने पर है। साफ लिखा है कि जो दाऊद की राजगद्दी पे है वहीं से तो यीशु मसीह आना हुआ, यीशु मसीह का आगमन, फिर उसके बाद चेले, और उसके बाद आज पास्टर लोग प्रभु के दास, हर जगह पे पदवी अलग है, यानी कि कॉलिंग अलग है, बुलाहट अलग है, आत्मा एक है, यीशु मसीह एक है। हालेलुया। और कार्य अलग अलग है, अपनी कॉलिंग कुछ, आप वर्शिपर हो सकते हो, आप प्रचारक हो सकते हो, आप कोई भी काम करने वाले हो, सबको परमेश्वर ने बुलाया। और सबसे बड़ा काम जो है मेरे से तो वो है सुसमाचार सुनाना, क्योंकि परमेश्वर ने ये काम सभी को दे रखा है, इससे बड़ा काम कोई नहीं है, यीशु मसीह का प्रचार करना। अब आगे बढ़े और प्रभु ने कहा कि ये तो शुरुआत है, अभी तो मैं अनगिनत कर दूंगा। अभी तो आप एक अपोस्टल को देख रहे हो, एक भविष्य को देख रहे हो, अभी आने वाले में परमेश्वर घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से, दास होने के नाते, कि आने वाले टाइम में आप हर जगह ऐसी ही मीटिंग दिखा करोगे, ऐसी बड़ी बड़ी मीटिंग होगी और परमेश्वर का राज्य पूरे भारत में फैलेगा यीशु मसीह के नाम में, पूरी जगत में फैलेगा। हालेलुया। ये जो कष्टी के यशोदाब के साल है, जो प्रभु ने मुझे बताए थे 23 और 24, उसके बाद जो परमेश्वर का प्रकाशन आएगा वो देखने काबिल होगा, रुकेगा नहीं मेरे जी तो। और शताब कितना भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर अपने दादासियों के साथ है, कलीसिया के साथ है, वो बढ़ाएगा। और याद रखना, एक अपोस्टल एक भविष्यवक्ता नहीं है, प्रोफेट भी, अभी अनेक होना बाकी, उसमें से आप भी हो सकते हो, आपकी संतान भी हो सकती है। मायने नहीं रखता हम कहाँ है, मायने रखता हमारा परमेश्वर जहां है वहां आजादी है। हालेलुया। वो हमें चुनता है और खड़ा कर देता है। इस राखक मिट्टी को जो दुनिया का सबसे बुरा इंसान था, परमेश्वर चुनकर कहां से कहां पहुंचा दिया। कल आपकी बारी है, आज आपकी बारी है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता इस अद्भुत भेद के लिए बताने वाले, धन्यवाद करता हूं पिता। वाक्य में पिता आपने एक दादासी बना के स्टॉप नहीं कराया, अपने एक अपोस्टल बना के स्टॉप नहीं कराया, अपने एक प्रोफेसर बना के
स्टॉप नहीं कराया, आपने कोई 10-15 के स्टॉप नहीं करा, बल्कि ये तो शुरुआत है और इनमें से बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते और सबसे ज्यादा काम होता चले जाएगा। और अगर जो सुनने वाला है तो आज मैं तेरा अभिषेक उन पे उंडेलता हूँ पिता, उनकी अनॉइंटिंग कर पिता, वो सेवका ही मैं करना चाहते हैं पिता, कोई लेडीज है जेंट्स है कोई भी हो पिता, उनके जीवन में पिता सेवका ही आने पाए यीशु के सामर्थ्य में, जिसकी आप बुलाहट कर रहे हो वो बाहर आने पाए और उनको अपनी कॉलिंग पता चले यीशु राजा इन द नेम ऑफ जीसस। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपने सुंदर भेद बताए, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। प्रभु आपका आशीष दे, इस संदेश से प्रभु ने आपसे बात करी है मुझे पता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना। जय मसीह की।